आएंगे। आपका आपकी तरफ से पहला शेयर आज का कौन है होली गिफ्ट के तौर पर? इंडस्ट्रियल स्पेस की ये कंपनी है और ये लोग रेल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर्स भी बनाते हैं, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट स्पेस में भी ये काम करते हैं। कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन है अक्रॉस इसके कुछ सेगमेंट्स में। तो पसंद आने की वजह सबसे पहले फाइनेंशियल्स अच्छी शेप में है, बैलेंस शीट बढ़िया है, और दूसरी तरफ अब जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन दोनों की, मुझे लगता है कि बढ़िया ग्रोथ वो कंपनी को देती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। कंपनी ने जिस तरह से यहाँ पे अपनी बाकी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, मुझे लगता है आगे जाते हुए 20% की CAGR से हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो CG पावर काफी पसंद आता है और आज ये थोड़ा सा डाउन है, मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी और गिरावट आ गई तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। इसमें जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे वो 590 के रहेंगे। समय सीमा मैं शॉर्ट टर्म दे रही हूँ, अभी तो 2 से 3 महीना है, तो उतनी समय सीमा के हिसाब से CG पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ। आस्था जी, आपका नजरिया ये 2 से 3 महीने का है 590 रुपए के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो रिटर्न है वो भी बड़े नहीं है अपसाइड में, अभी तो 11 से 12% के रिटर्न के लिए ही मैं खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, इसलिए समय सीमा मैंने यहाँ पे स्मॉल रखी है, लेकिन आगे भी ये अपग्रेड हो सकता है, टारगेट्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो 1 साल से बहुत पहले आ जाएगा, 2 से 3 महीने का ही नजरिया रख के चलिए आप CG पावर में, और इसमें आपको 590 रुपए के टारगेट्स बता रही हैं आशा जी। दूसरा शेयर कौन सा है आशा जी? देखिए PI इंडस्ट्रीज पसंद आता है दूसरे स्टॉक के तौर पे, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट 4125 से 4200 के रहेंगे, 4200 तक के। अगेन समय सीमा फिर से 2 से 3 महीना ही मैं इनिशियली दे रही हूँ, बट ये लॉन्ग टर्म में और भी टारगेट्स हम अपग्रेड कर सकते हैं इसके। PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रोकेमिकल स्पेस की ये कंपनी है। पसंद आने के पीछे का पहला कारण जिस तरह की अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई थी, बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में तो देखा जाए वीकनेस देखने को मिल रही है, उसके बावजूद कंपनी यहाँ पे बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। देखा जाए तो कंपनी जिस तरह से कस्टम सिंथेसिस मॉलिक्यूल बिजनेस में है वो वहां पे भी बढ़िया ग्रोथ आई है, और दूसरी तरफ जो उनका नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस है वो भी अब अच्छा परफॉर्म करने लगा है। कंपनी को अब काफी अच्छी खासी यहाँ पे इंक्वायरीज आ रही है, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं उससे रिलेटेड इंक्वायरीज काफी ज्यादा आ रही हैं, और मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरह से अब नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, क्योंकि 5 तो इन्होंने कमर्शलाइज किए हैं प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट मार्केट में, और कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में भी कमर्शलाइज किए हैं, तो वो सब एक बढ़िया कारण होंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और ज्यादा यहाँ पे स्थिरता प्रदान करेंगे। तो PI इंडस्ट्रीज बढ़िया लगता है, मुझे लगता है जिस तरह से कंपनी की गाइडेंस भी आ रही है ये आराम से EBITDA मार्जिन 21% से ऊपर के ये मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, जो भी बढ़िया लगते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी PI इंडस्ट्रीज को 4125 से लेके 4200 तक के टारगेट्स के लिए, समय सीमा 2 से 3 महीने इनिशियली मानी जानी चाहिए। ठीक है, 3 महीने के लिए PI इंडस्ट्रीज, ये शेयर 4125 रुपए का लक्ष्य। तो आस्था जी के भी 2 शेयर कंप्लीट हो गए। आखिर में जो आपका शेयर बचा है ना, हम चाहेंगे कि आप ऐसा कोई शेयर दीजिए जो होली से ना कनेक्ट हो जाए, बताइए कौन सा है आपका शेयर, आखिरी शेयर? कोलगेट, क्योंकि कई बार दांतों पे भी रंग लगता है और कोलगेट काफी लोगों के घर में भी रहता है, तो कोलगेट अच्छा लगता है। इसके पीछे के 1-2 कारण है, इसका इंडस्ट्री का साइज जो है वो तो अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी की मार्केट पोजीशन है, जो भी इसका नेक्स्ट कंपेटिटर उससे 3 गुना साइज है इसका, और अगर टूथ ब्रश ब्रांड में भी बात करें तो वहां पे भी 1.5 गुना बड़ा है अपने नेक्स्ट कंपेटिटर से। पसंद आने की वजह जिस तरह से पामोलिव जो ब्रांड है वो पर्सनल केयर में भी एंट्री कर रहा है, कंपनी को बढ़िया ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ व्हाइटनिंग स्पेस में भी जो कंपनी काम कर रही है तो काफी बढ़िया डिमांड निकल के आ रही है, तो वहां पे भी कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। फाइनेंशियल्स भी कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पे दिखाए थे, खरीदारी करने की सलाह है 3000 के लक्ष्य के लिए, समय सीमा फिर से 2 से 3 महीना रह सकती है। ठीक है, 2 से 3 महीने, टारगेट 3000, होली खेलने का आखिरी चरण, साफ सफाई के ऊपर सही कह रहे हैं आस्था जी की दांतों में भी रंग लग जाता है, कोलगेट उसके भी काम आएगा, और ये शेयर तो आपके मुनाफे की रंगत को बढ़ाएगा ही, 3000 रुपए का टारगेट 3 महीने के लिए। चलिए इसी के साथ